चाहे हमारा हलका हो या ऐवान असेंबली हो, हमने पूरी दियानत के साथ आपके एक एक वोट का हक अदा किया तो आपकी एक एक दुआओं का भी हक अदा किया। फिर पूछते हैं कि क्या किया, 2000 से जायद का मुसलमानों का माइनॉरिटीज का बजट रखा, ये हमारी कामयाबी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जितना भी पैसा आया है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से आया है। 2664 गाड़ियां दी गई हैं 61 करोड़ के सर्वे से, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी। 1744 ऑटोज दिए गए, 12 करोड़ रुपया खर्च हुआ मजलिस की नुमाइंदगी पर। मोटरसाइकिल दी गई, ओला उबर और दूसरे जो काम करते हैं, पूरे रियासत तेलंगाना में 10,000 स्विंग मशीन तकसीम होने जा रही हैं, ये भी मजलिस की नुमाइंदगी पर। 1 लाख के इमदाद दी जा रही है, करीब 400 करोड़ रुपया, ये भी किसने लाया, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद ने। 80% सब्सिडी में भी 4,440 करोड़ रुपया सर्फ हुआ। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में 39,000 खवातीन को, बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, जिस पर 27 करोड़ रुपये का सर्फा हुआ। शादी मुबारक में बच्चियों की शादियां हुई हैं और रियासती हुकूमत ने उनको चेक दिया है। तलाक शुदा खवातीन को भी पेंशन दी जाती है, वो पेंशन के लिए भी हमने जिद्दोजहद की। हर मस्जिद के इमाम को, हर मस्जिद के मौज़न को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, इसका आगाज भी किसने किया, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने किया, क्या किसी ने किया।